मॉर्निंग दोस्तों, ये 40 TR का पैकेज यूनिट है। इसका कंप्लेंट ये था कि नहीं, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ थर्मास्टेट में देखें, देखिए अब ये बहुत बड़ा एरिया है, बिग हॉल है, रूम टेम्परेचर 28 है, तो कूलिंग होना चाहिए था। तो ये जो है ना हीट मोड पे रखा हुआ है। ये कंप्लेन था कि ब्लोअर चल रहा है लेकिन कॉम्प्रेसर नहीं चल रहा। तो जब हम देखें, आपको H1 लिखा हुआ लेफ्ट साइड पर, H1 H2 यानी हीटर ऑन है, लेकिन हीटर ऑन है, थर्मास्टेट से हीटर को, इतना बड़ा एरिया है तो कूलिंग चल कूलिंग होना चाहिए था। लेकिन कस्टमर का कंप्लेन था कि भाई हमने कूलिंग पे रखा है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कस्टमर के हिसाब से, बट कूल नहीं कर रहा है। तो जब हम लोग साइट पे विजिट किए, साइट पे जब पहुँचे तो देख रहे हैं कि वो हीट मोड पे रखा है, उसको या नॉलेज नहीं था या मिस्टेक से, ये कूल मोड है। ये थर्मास्टेट का, ये थर्मास्टेट का पैकेज का, ये जो C3 C4 दिख रहा है ये कॉम्प्रेसर का है, यानी इसमें चार कंप्रेसर है, C1 C2 C3 C4, चार कंप्रेसर का ये है। ओके, तो इसका सेटिंग देखते हैं। ये ऑन ऑफ के लिए है, ये मोड है, फैन टेम्परेचर डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये ऑन हुआ आपका। हाँ, अभी आप यहाँ पर, हाँ ये मोड है, ओके, कूल मोड, कूल हीट ऑटो फैन एंड कूल, ओके, ये हो गया आपका। ये आपको जो C3 C4 दिख रहा है ना, ये कंप्रेसर के लिए है। हाँ, ये C3 C4 कंप्रेसर के लिए। ये फैन का है, फैन का दो ऑप्शन है, ऑटो और मैनुअल। ऑटो में रहेगा तो जब कंप्रेसर कट ऑफ करेगा बाय टेम्परेचर पे, तो सेम टाइम में ऑटो पे रहेगा तो ब्लोअर भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैनुअल ही रहने दीजिए, ओके है। बस यही इसका सिंपल पे ये था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी